सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अभी निर्णय आया है, निर्णय किया गया है कि क्रिमिनल लगाया जाए आरक्षण पे, तो एसटी एससी के बीच में जो है ये भेद पैदा किया जा रहा है। साथ ही जैसे आज ओबीसी के साथ में जो पंचायत में जो आरक्षण मिलना था, पंचायत से पूरा आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। तो धीरे धीरे कर कर जो ये अभी क्रिमिनल लगाया गया है, इससे धीरे से जो है एसटी एससी का भी आरक्षण समाप्त करने की एक योजना है। तो ये जो निर्णय है ये एसटी एससी वर्ग के लिए जो है उनके साथ में उनके हितों का कुठाराघात है। और रही बात ये कि जिसमें इसको समर्थन कौन कौन से संगठन दे रहे हैं, तो मंडला जिले के जितने भी संगठन हैं, जैसे हमारा एसटी, मैं प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हूं ओबीसी महासभा का, तो हमारा तो पूर्णतः समर्थन है कि हम भी उनके साथ में और हम एक दूसरे के गले से गले मिलाकर के जो है इस काम में जो बंद को सफल बनाने में सहयोग करेंगे। नहीं, इस निर्णय के बाद से जो है संपूर्ण भारत बंद करने का निर्णय जो है राष्ट्रीय स्तर से भी है, प्रदेश स्तर से है, और उसके तारतम्य में जो है मंडला भी कल बंद रखा जा रहा है। आपका पूरा परिचय? हाँ, मैं सीवी पटेल एडवोकेट, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ओबीसी महासभा। पहले 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट आया क्रिमिनल पर, जो आरक्षण पर है, रिजर्वेशन पर है। सबसे पहले तो ये जो इतना एक ऐसा मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है, इस पर सबसे पहले संसद में डिबेट होना था, क्योंकि हमारे हमारा जो देश है, जब 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ, उस दिन से संसदीय शासन प्रणाली को हमने एडॉप्ट किया हुआ। संसदीय शासन प्रणाली में संसद सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है। एक बात, दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट तभी किसी इस तरह के मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है जब संसद अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ईमानदारी से ना कर रही हो। जब पार्लियामेंट में इस तरह के विषय नहीं लिए जा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का इस तरह के विषयों पर अपना जजमेंट देना एक सवालिया निशान है। हम एसटी एससी वर्ग को ये लग रहा है देश भर में कि इस बार 2024 में मोदी जी की सरकार जो पूरी तरह से गठबंधन में नहीं है, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट को बाईपास करे इस तरह के फैसले की? आप इस तरह के फैसले करके समाज के अंदर एक वर्गीकरण क्लासिफिकेशन लाए करके। दूसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं क्योंकि वो हमारा लोकतंत्र का, डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक पिलर है, लेकिन कॉलेजियम सिस्टम के तहत जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों का चयन होता है, ये भी एक संदेह के दायरे में, क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का चयन नहीं होता है, पहली बात। और ये बोलने का अधिकार मुझे माननीय हमारे देश के संविधान से आर्टिकल 19A के तहत मुझे बोलने का, न्याय संगत बोलने का है कि मैं ये बोल सकता हूँ कि कॉलेजियम जो व्यवस्था है उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों का जो चयन होता है वो किस आधार पर होता है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है मतलब। और दूसरी बात ये है कि जैसे थोड़ी देर पहले हमारे आर के चौधरी जी ने कहा था कि जो रिजर्वेशन है वो हिस्टोरिकल इनजस्टिस और एजुकेशनल बैकवर्ड के आधार पर है, मतलब ऐतिहासिक अन्याय और शैक्षणिक पिछड़ापन के आधार पर था। बाद में ईडब्ल्यूएस को लेते हुए देखते हुए पहले की नरेंद्र मोदी की सरकार जी ने एक अमेंडमेंट लाया और उसके बाद जो है ईडब्ल्यूएस आर्थिक आधार पर भी आरक्षण की बात कही करी जाने लगी, लेकिन ये पहले मूल संविधान में हिस्टोरिकल इनजस्टिस और एजुकेशनल बैकवर्ड के आधार पर था। तो हम एसटी एससी वर्ग को ये लग रहा है कि जो देश में और जो बुनियादी मुद्दे हैं, जैसे ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट, ह्यूमन इंडेक्स जो है उसके वो एक आधार है, पूरी दुनिया का विकसित आधार है कि कैसे आप विकास का पैमाना तय करते हैं, तो एक शिक्षा है, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय, तो सरकार को इन मुद्दों पर काम करने की जरूरत है। ऐसे गंभीर मुद्दों को छेड़ने के बजाय संसद में एक बार इस पर डिबेट कर लेनी चाहिए। धन्यवाद। आपका पूरा परिचय? जी, मेरा नाम राजेंद्र कुमार ध्रुवे। ये 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट के कुछ 6 जजेस द्वारा जो एक विचार आया है या निर्णय लिया गया, तो वो एसटीएससी के आरक्षण और क्रिमिनलियर को लेकर, तो उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने उसको रोका जाए करके एक बैठक रखा है, जो कि कल की डेट से भारत बंद का आह्वान किया है सभी संगठन, पूरे देश के एससी और एसटी और कुछ संगठनों द्वारा इसका विरोध किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा जो निर्णय लिया गया है वो एक जो कास्ट के ऊपर सब कास्ट बनाने के लिए एक विचार है, जो कि ये पूर्णतः असंवैधानिक और एक जाति में फूट पैदा करने जैसी स्थिति ना पैदा हो, इसलिए सभी सामाजिक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं और 21 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया गया है। उसी के तर्ज पर आज हम लोग मंडला आरक्षण बचाओ एसटीएससी ओबीसी संघर्ष समिति द्वारा ये बैठक रखा गया है कि 21 तारीख को मंडला बंद रहेगा और इसका पूर्णतः
सभी संगठनों द्वारा समर्थन किया गया है।